हेलो फ्रेंड्स, एसआर ग्रुप कॉलेज के एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो एमएस एक्सेल 2016 पर आधारित है, लेकिन इसकी सहायता से आप एमएस एक्सेल 2003, 2007, 2010 और 2013 पर भी काम करना सीख सकते हैं, क्योंकि एमएस एक्सेल के सभी वर्जन्स का मूल कॉन्सेप्ट एक ही है। अंतर केवल यह है कि जैसे जैसे नए वर्जन्स आते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं और उनमें कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, पर बेसिक फीचर्स वही रहते हैं। आज सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेल 2016 का परिचय सीखेंगे और साथ ही साथ एमएस एक्सेल 2016 को स्टार्ट कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ साथ में रोज, कॉलम्स, वर्कबुक, वर्कशीट इत्यादि के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एक्सेल, यानी एक्सेल क्या है। तो दोस्तों, एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें आपका जो डेटा है वो रोज और कॉलम्स में स्टोर होता है। वैसे तो एमएस एक्सेल के कई सारे वर्जन्स आ चुके हैं, जैसे एमएस एक्सेल 2003, 2007, 2010, 2013 और 2016, जिसमें से एमएस एक्सेल 2016 सबसे बेहतर और सबसे आकर्षक माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ नए फीचर्स और ऐड किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा अपने नए वर्जन्स में कुछ नए फीचर्स ऐड करता है, जिससे एक्सेल और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा आकर्षक लगता है और साथ साथ में उसको काम करने के लिहाज से और आसान बनाया जाता है। एक्सेल का उपयोग डेटा एंट्री करने में, मैथ कैलकुलेशंस करने में, एवरेज, परसेंटेज इत्यादि निकालने में इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ एक्सेल में चार्ट, ग्राफ, डेटाबेस और डेटा एनालाइज भी किया जाता है। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। बेसिकली एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए कई सारे तरीके हैं। तो सबसे जो पहला तरीका है, सबसे पहले आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर EXCEL एक्सेल लिखना है। तो यहाँ पर आपका एक्सेल 2016 आपका यहाँ पर शो करेगा, उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। ऐसा करने पर आपका एक्सेल 2016 ओपन हो जाएगा। जब एक्सेल को आप ओपन करेंगे तो उसका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर आप बाएं तरफ देखेंगे तो आपको एक्सेल की जो रिसेंट फाइलें हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, यानी वो फाइलें जो आपने हाल ही में पहले खोल रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेल के कुछ टैम्पलेट्स दिखाई पड़ेंगे, जैसे ब्लैंक वर्कबुक, सेल्स रिपोर्ट, बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रैकर, लोन अमोर्टाइजेशन, पर्सनल मंथली बजट, एक्सपेंस रिपोर्ट, टाइम कार्ड, जैसे बहुत सारे टैबलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको अगर इस तरह की चीज़ें बनानी हैं तो आपको उस खाली उस पर जाके क्लिक करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको बिलिंग स्टेटमेंट निकालना है तो आप जाके इस पर डबल टैप करेंगे। ऐसा करने से देखिए आपका जो बिलिंग स्टेटमेंट है वो यहाँ पर शो होगा। अब आप यहाँ पे अपने डेटास को एंटर कर सकते हैं और अपना बिल स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। चलिए अब इसको क्लोज़ करके देखते हैं। इसको क्लोज़ करते हैं हम लोग। अब एक्सेल को स्टार्ट करने का एक दूसरा तरीका देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से विंडो और आर कीज़ को प्रेस करना होगा, जिससे आपके स्क्रीन पर रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद आपको अपने स्क्रीन पर अपने डायलॉग बॉक्स में एक्सेल यानी कि EXCEL टाइप करना होगा। उसके बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे आपका एक्सेल 2016 ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको अपने एक्सेल पर कोई भी चीज़ तैयार करनी है, अगर आपको एक ब्लैंक वर्कबुक चाहिए जहां पर आपको चीज़ों को बनाना है, तो आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले ऊपर की ओर देखते हैं, जहाँ पर बुक वन, एक्सेल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार्स, जहाँ पर जब आप फाइल को सेव करेंगे तो आपके फाइल का नाम वहाँ ऊपर दिखेगा। अभी बुक वन लिखा हुआ है, यानी कि अभी आपकी फाइल सेव नहीं है, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम होता है। उसके बाद अगर हम टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में कुछ क्विक एक्सेस बटन्स मिलेंगे, जैसे फ्लॉपी डिस्क यानी कि सेव का ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद अंडो यानी कि कंट्रोल जेड का ऑप्शन मिलेगा, और साथ साथ में उसके बाद रेडो का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डाउन एरो मिलेगा, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो आप अक्सर यूज़ करते हैं, जो हमेशा यूज़ होते हैं।
तो अगर आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस यूज़ करने हैं, ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आप उस पर चेक लगा देंगे। अगर ऑप्शंस को हटाना है तो उस पर से चेक आपको हटा देना है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइटल बार के राइट साइड में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का आइकन मिलेगा। इससे क्या होता है, अगर आपको ये टाइटल बार और साथ में आपको इसका जो रिबन है ये हटाना है, ये हाइड करना है, तो आपको ऑटो हाइड बटन पर क्लिक कर देना होगा। इससे क्या होगा, आपका जो रिबन है वो हाइड हो जाएगा। और अगर आपको वो रिबन वापस लाना है तो आपको टॉप ऑफ द विंडो क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपका जो रिबन है वो वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे आप अपने शीट पर क्लिक करेंगे, आपका जो रिबन है वो फिर से हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो रिबन है, यानी कि मेरा जो टाइटल बार है, जो टैब्स हमारे हैं वो रहें, तो उसके लिए आपको सेकंड ऑप्शन यानी कि शो टैब्स पर क्लिक करना होगा। इससे क्लिक करने पर आपका जो टैब है वो शो करेगा, लेकिन उसके जो ग्रुप्स हैं, उसके जो कमांड्स हैं, वो शो नहीं करेंगे। आपने इस पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर जो आपके टैब्स हैं, जो टाइटल बार है, वो शो कर रहा है। अगर आप अपने वर्कशीट पर क्लिक करेंगे फिर भी वो हाइड नहीं होगा, लेकिन उसके जो कमांड्स हैं वो दिखेंगे कब, जब आप किसी टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने होम टैब पर क्लिक किया तो आपके होम टैब पर वो शो करेगा, लेकिन आप अगर वर्कशीट पर क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा टैब और हमारा कमांड्स, हमारे ग्रुप्स भी शो करें, तो आपको तीसरा ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि शो टैब्स एंड कमांड्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका टैब और आपके ग्रुप्स, आपके कमांड्स वगैरह सारी चीज़ें शो कर रही हैं। अगर आपने वर्कशीट पर क्लिक भी करते हैं तो ये हाइड नहीं होंगे। एक्सेल को ओपन करते ही जो सबसे पहला टैब आपका ओपन रहेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट टैब आपका ओपन रहता है, वो रहता है होम टैब। होम टैब के अंदर आपको ये सारे जो फाइल, इंसर्ट, होम लेआउट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये सारी चीज़ें आप जो आपको दिख रही हैं, ये हमारे टैब्स होते हैं। और हर टैब्स में आपको कमांड्स या फिर ग्रुप्स मिलते हैं। जैसे होम टैब के अंदर अगर आप देखें तो हमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग जैसे ग्रुप्स या फिर कमांड्स मिल रहे हैं। अगर हम टैब के लास्ट में जहाँ पर लिखा हुआ है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, ये आपका एक सर्च बार यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर आप किसी भी कमांड को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको यहाँ पर बैकग्राउंड ऑप्शन सर्च करना है, आपको मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप करेंगे बैकग्राउंड, तो यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड ऑप्शन है वो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। आप यहाँ से बैकग्राउंड जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका सर्च बार है जहाँ पर आप कोई भी कमांड सर्च कर सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको फाइल ऑप्शन मिलता है, जहाँ से आप जब आप फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं। आप नए डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और भी सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम दाहिने साइड में बात करें तो यहाँ पे जो आपके रिसेंट फाइलें हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, वो सारी फाइलें आपको यहाँ पर भी दिखती हैं। आप खाली इस पर क्लिक करिए, आपको वो फाइल ओपन हो जाएगा। इसको बैक करने के लिए आप यहाँ पे बैक रो पर क्लिक करेंगे। जो आपको अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं ये हमारे कॉलम्स हैं, और जो आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये आपके रोज हैं। एक्सेल में आपका डेटा इन्हीं में स्टोर होता है। अगर हम बात करें ऊपर का, जो ये आपको वाइट पट्टी दिख रही है, वाइट लाइन दिख रही है, हमारा फॉर्मूला बार है। यानी कि आप जब किसी सेल में कुछ लिखते हैं तो जो आपका मैटर है, जो आपका टेक्स्ट है, वो वहाँ पर शो करता है। लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखता है, यानी कि यहाँ पे आपके सेल का क्या नाम है वो यहाँ पर शो करता है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, अब इस सेल का क्या नाम है, C3, यानी C नंबर कॉलम में है और 3 नंबर रो में है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसका नाम क्या है, A2, यानी कि A नंबर कॉलम में है और 2 नंबर रो में है। जब हम वर्कशीट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स के जैसा बन के आ जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं सेल। ओके, हम लोग इसको सेल कहते हैं। अभी वर्कशीट की बात करते हैं कि वर्कशीट क्या होता है। इस पूरे वर्किंग एरिया को हम लोग वर्कशीट कहते हैं, और इन्हीं वर्कशीट्स के कलेक्शन को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 ओपन है।
अगर आपको और सारी शीट्स ओपन करनी है तो यहाँ पे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके और सारे शीट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।